मॉर्निंग एवरीवन, सवेरे के बज गए 11 और अभी हम लोग कर रहे चेकआउट। यहाँ से पूल खाली हो गया। हमारा प्लान था भाई कि मॉर्निंग को जाएंगे पूल में, बट नहीं जा पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैक था पूरा। तो दो चार भाई लोग इधर ही है, सब देख रहे हैं किसका किसका सामान छूटने रहा है ना, तो पूरा अभी चेक करेंगे रूम और उसके बाद यहाँ से चेकआउट। हम देखते हैं, यहाँ पे दमन में दो तीन प्लेस घूमने का प्लान हो रहा है, तो अभी देखते हैं पहले प्लेस कौन सा है। लगेज सेट हो गया अभी हमारा। मजा कैसा आया? बहुत अच्छा मजा आया, पहली बार ऐसा ग्रुप के साथ में हुआ, फैमिली ग्रुप। देखो भाई, भांजे, सब भांजे भतीजे सब साथ में भाई। हमारा मामा है एक नंबर, मामा से ज्यादा दोस्ती निभाते हैं। भतीजे भी, लेकिन वो कंस वाले मामा नहीं है। हाँ, कटप्पा वाले मामा नहीं है, कटप्पा मामा नहीं है। चलो, बहुत मजा आया भाई। अभी हम लोग आ गए दमन के मार्केट में। गेट भाई देखो, बीच को लग के ये आयुषी कस्टम कस्टमर शॉप। कपड़े देखो भाई, कपड़े बहुत बड़ा मार्केट है। सो भाई फाइनली पंक्ति के लिए और कायरा के लिए ले लिया दोनों भाई ने। अब आरओ का पेंडिंग है। हर बार ऐसे होता है, लड़की लोग के कपड़े मिल जाते, आरओ रह जाता है। तो अभी आरओ के लिए ढूंढ रहे कुछ, तो बाजू में देखते, थोड़ा बाजू में देखते, बाजू में कहीं पे मिल रहा है। तो आइसक्रीम खाने आया अभी, मैं नहीं खा रहा अभी, मेरा मूड नहीं हो रहा आइसक्रीम खाने का सवेरे सवेरे। आगे देखो सब लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। पूछा, बारिश आ चुकी है और सब लोग भाग रहे हैं। देखो अपना ग्रुप है। मैं भी जाता हूँ क्योंकि जोर से बारिश आई। सब मॉडल लोग आ गए, देखो फोटोशूट चल रहे। देखो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पोर्ट। ये पोर्ट है और अभी अपना वैगनर उधर लग चुका है और अभी ये गाड़ी भी पार्क हो गई है। और भाई लोग देखो, बुल्लो तो चलने लगे, वेट भी नहीं कर रहे हमारा। गोपाल भाई देखो भाई, हम लोग आए चिल्ड्रन मेमोरियल गार्डन में। ये ब्रिज टूटने के बाद इस श्रद्धांजलि के लिए देखो ये बनाया पूरा। ये सब स्कूल के बच्चे लोग है, 2003 में। और देखो वहाँ पे आपको ब्रिज भी दिखा देता हूँ, यही ब्रिज है 2003 में। सब देखो ये ब्रिज अभी भी रखा हुआ है उन्होंने। देखो बीच में से ब्रेक हो गए, 2003 में हुआ है, मतलब 21 साल हो गए, मतलब जो घटना घटी थी उसको 21 साल हो गए। सो अभी आए हम लोग फोर्ट ऑफ मोती दमन। क्या लिखा है पढ़ लेना हिंदी में। यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं यहाँ से। ला 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 ला। यहाँ से एंट्री है कुछ ऐसा पोर्ट का। पोर्ट घूमेंगे मस्त। देखो भाई जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है ना सब पीछे, आगे तक, आगे तक, आगे तक, सब लोग का पार्टी चल रहा है गाड़ी पार्क कर करके। हमारे पूरे ग्रुप में दो बंदे लोग ऐसे हैं ना जिनको ज़्यादा क्रेज है घूमने का, एक्सप्लोर करने का। एक है हमारे हरू भाई और एक हमारे जयू भाई। तोप गोले, तोप गोले। ये अड़ जा भाई, उड़ जाएगा आगे से। देखो ये डेट हो गया पूरा, पूरा लोखंड का है। देखो यहाँ से लगता है सीधा निशाना, सामने समंदर से कोई आया उस पर टारगेट करने के लिए पोर्ट पे। उस तरह का कुछ हिसाब रहेगा यहाँ पे और कुछ इस तरह का व्यू है। बहुत बड़ा है बट उतना टाइम बचेगा नहीं क्योंकि ना बारिश हो रही है, तो ना ज़्यादा घूमने में ही हो रहा है। देखो हमारे सब चीज़ का हिस्ट्री हमारे इनके पास है। हरू भाई चलता फिरता गूगल हो आप, पूरा इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे साथ में, हम लोग को गाइड भी कर रहे थोड़ा थोड़ा। दमन और गोवा, ये तीन पुर्तगीज कॉलोनी थी। ओके, अभी गोवा तो स्टेट बन गया लेकिन दीव और दमन अभी यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें आपको बहुत सारे पुराने पुर्तगीज के किले मिलेंगे।
जो उसमें से एक ही है। ओके वॉच टावर जैसे ओके आदमी खड़ा रह के देखता था और गोली गोली मारने में यही इसलिए वो पूरा कवर रहता है, खाली एक विंडो रहता है। और ये तभी ये सब नहीं था तो यहाँ से ओपन समंदर दिखता था। ये तो अभी ब्रिज है, तभी तो यहाँ पे जब भी कोई दूसरी शिप आती थी उसको अटैक करने के लिए तोप लगाई हुई है। हमारे ग्रुप के सबसे बड़े भाई है, वो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इधर जेल है क्या ये? टूट गया। अच्छा ये वॉल है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बराबर बहुत बड़ा ये। बहुत बड़ा किला है ना। और ये सिर्फ बाइक के लिए। हाँ। और एक ब्रिज बन रहा है और एक वो टूटा हुआ ब्रिज आप जो देख रहे 2003 में ब्रेक हुआ और ये अभी नया बना है पर सिर्फ बाइक के लिए। अरे यार नीचे से नीचे से गाड़ी से सब सामान चढ़ा जाता होगा। एग्जैक्टली और तुम देखो ये वॉल, ये भी शायद कुछ गोला बिला रखने का कुछ जगह होगा। ये देखो इधर भी एक टिम्बर है। अरे बेरो दिन में लगता है उससे भी ज्यादा भयंकर ये रात को होता है। तो ये दिन में काफी खूबसूरत लग रहा है, रात को ये उतना भयंकर सीन होता होगा। हाँ बाजूवाल भाई, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को फांसी दी होगी, कितने लोगों को मारा होगा। तो ये देखो सब संभाल के चल रही है, थोड़ा रिस्की लग रहा है। आराम आराम से आओ सब लोग। ये थोड़ा देखो यहाँ से खुल गए पर है एंगल डाला हुआ है, मजबूत है ऐसे तो। ओ भाई जबरदस्त। कैसे बनाया देखो इसको, पूछोगी इसने किस टाइप के पत्थर है? ये सब समंदर के पत्थर है। हड़प्पा में भी इसी तरह ही निकला है। मतलब ये टाइम पर अपने पास ईट बनाने टेक्नोलॉजी होती, पछी शुगर नो शेवड़ी नो रस है ना, शेवड़ी नो रस गन्ने का जूस। हाँ गन्ने का जूस, उसमें से शुगर बनाने का जो टेक्नोलॉजी है ना वो इंडिया में बना था। अच्छा उसका प्रूफ मिला है हड़प्पा ने संस्कृति में जैसे खुद का बोलू ना, तो यहाँ शुगर केन ना जो लाओ ना अपना गन्ना जूस, गन्ने का जूस उसमें जो शुगर बना था ना वो पहले भारत में बना था। गाइड हमारे कुछ यानी कि हम लोग ने वो टेक्नोलॉजी ढूंढ ली थी कि गन्ने के जूस को शुगर में कैसे बनाया जाए, वो टेक्नोलॉजी था पहले इंडिया में बना, इसलिए उसको शुगर बोलते हैं। कि शुगर का संस्कृत में वर्ड है शक्कर, शक्कर शक्कर में से शुगर बनाया, हम लोग शक्कर बोलते उसमें से शुगर बनाया। भाई ये है अभी जंगल एरिया, भाई इधर कुछ भी रह सकता है, जंगल एरिया है। इसको मतलब मेंटेन नहीं किया, पेड़ पौधे सब आ गए। वो भाई किधर भी खड्डा रह सकता है भाई बच के। चलो भाई अपन ये एरिया में थोड़ा सिर्फ झाड़ी झाड़े तो अभी यहाँ से निकलते, और भी देखो आगे है पर ये पूरे पोर्ट पे ना पेड़ पौधे उग गए तो यहाँ पे कुछ अभी जा नहीं सकते आगे। हम लोग बाहर निकलते फिर से और देखते कुछ, हमारे बड़े भाई कुछ तो गाइड कर रहे, देखते क्या क्या ज्ञान दे रहे हो। तो रास्ता बंद हो गया था तो उनको एक नए रास्ते की खला थी, उसके बाद वो लोग ने बार बार नई नई बड़ी बड़ी शिप बनाना शुरू किया और वो फिर वो लोग इंडिया में आए। सब लोग इंडिया आ रहे थे, ये पूरी दुनिया में जितना रेगुलेशन जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सब इंडिया को जुड़ने के लिए हुआ है। हमको इंडिया का अपना वैल्यू नहीं पता है। हमारे वास्को डी गामा आया था वो गोवा नहीं कालीकत में उतरा था वो पहले। हमको हमारे इंडिया के ऊपर है ना प्राउड होना चाहिए। अभी ये पोर्तुगीज इंडिया में क्यों आए हम लोग बोले वो लोग उधर क्यों गए, क्योंकि तभी इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होता था मसाला शुगर ये सब इंडिया में, टेक्नोलॉजी थी कपड़ा है ना, अलग अलग दवाई जड़ी बूटी ये सब इंडिया में था, तभी उसकी बहुत वैल्यू थी। इसलिए ब्रिटिश भी इंडिया आए तो पोर्तुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, आपको पता नहीं होगा ये सब। हाँ डच जैसे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, वैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रिटिश लोग रुके थे। भाई सही बोल रहे, अपने इंडियन वाले को अपने इंडिया की वैल्यू नहीं पता कि अपन क्या चीज़ है। सही है जाएगा वो इंडिया का राज या वहाँ से ट्रेड लेके आएगा तो सब लोग ने इंडिया खोजना शुरू किया। उसी तरह से वास्को डी गामा पहले इंडिया आया था सबसे पहले, बट वो श्योर नहीं जाता भी शायद, लेकिन जो कोलम्बस था उसने अमेरिका ढूंढा था, लेकिन उसने अपने मरते दम तक ये नहीं बोला कि ये अमेरिका है, उसने बोला ये इंडिया ही है, क्योंकि वो इंडिया कभी कभी इंडिया में कोई आया नहीं था पहले, सिर्फ ट्रेडर आते थे। तो जब कोलम्बस अमेरिका में उतरा तो उसको ब्राउन लोग दिखे, क्योंकि नॉर्मली नेटिव अमेरिकन इंडियन जैसे दिखे,
तो उनको लगा ये अमेरिका ही है, ये इंडिया ही है। हाँ। तो साले ने मरते दम तक माना नहीं कि मैंने ये इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, अमेरिका। मरते दम तक ये क्लेम कर रहा है कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया। हाँ। उसको उसको लोग तो मिल गया लेकिन उसको वो चीजें नहीं मिली जैसे जो इंडिया के उस टाइम पे जो वैल्यूज थी, जड़ी बूटी या मरी मसाला, समझा। तो इसके लिए उसको रेड इंडियन बोला जाता है। जो नेटिव अमेरिकन होते हैं ना उनको इंडियंस बोला जाता है। Okay. ये आपको पता है क्या, जो अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो वहाँ के ट्राइबल लोग, उनको रेड इंडियन क्यों बोलते हैं या इंडियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनका नाम अपने से पड़ा है, अपने से ही पड़ा है और हमको ही पता नहीं है। मतलब के समझ लो भाई, बाहर जो भी चीजें गई है ना सब अपने इंडिया से ही गई है। एक इंग्लिश का वर्ड है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस। अभी इंडी जो वर्ड है उसका मतलब है वो सिंधु नदी से बना है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम सिंधु, सिंधु इस नदी, क्योंकि अपना जो मेन कल्चर है वो सिंधु नदी से निकला है। जो अपना जो अभी जो पाकिस्तान में सिंधु नदी है उसके आजू बाजू में जो कल्चर बना, आज हम लोग उसी कल्चर का हिस्सा है, हम लोग उसी कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो सिंधु को सिंधु नहीं बोल सकते थे तो उसको वो लोग हिंदू बोलते थे, इसलिए हम लोग हिंदू बन गए और हिंदू में से फिर इंडिया शब्द निकला। आप देख रहे हो सिंधु हिंदू इंडू, इंडिया। हाँ, तो ये राइम कर रहा है। ये भाषा जब ये ना एक एक जनरेशन के बाद बदल जाती है। हाँ। उसके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, तो उसी तरह से इंडिया बना था। Yeah. तो अभी जो बोलते हैं ना इंडिया। हाँ। तो एक्चुअली ये इंडिया का नहीं है, ये सिंधु से निकला वर्ड है। उसका ओरिजिनेशन वर्ड सिंधु में, सिंधु का मतलब होता है नदी, क्योंकि हम लोग वो सिंधु सप्त सिंधु में रहते थे, वहीं से फिर ये वर्ड निकला है। तो जहाँ पे भी देखो इंग्लिश में इंडिजीनियस, ये वर्ड भी इंडिया से, इंडिजीनियस मतलब ऐसी चीज जो एक वहाँ के लोगों ने बनाई, उसको इंडिजीनियस बोलते हैं। लोकल ये जो अपने को पता नहीं है कि भारत एक्चुअली केंद्र है पूरे दुनिया का, पूरे दुनिया का, विश्व का केंद्र है भारत। और आज वही जो है ना सब लोग वापस भारत की ओर मुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। बी प्राउड, वेरी वेरी गुड नॉलेज भाई, बहुत ही ज्यादा नॉलेज है भाई के पास। बोल बोल केबल भाई, भाई एकदम यूनिक जाड़ देगा लाइफ में पहली बार। यहाँ से गया वाई बन गया, ऊपर गया वाई बन गया, और ऊपर गया वाई बन गया, पता नहीं भाई। आई गेस किसी को नाम पता हो तो भाई बताना कमेंट में कि भाई इस पेड़ का क्या नाम है। और है देखो वहाँ पे भी देखो सेम वाई 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 वाई। सो अभी हम लोग आए जामपुर बीच। ये बीच भी सेम ही है देवका बीच जैसा। देखो ये जामपुर है बीच में ना, ऐसा शेक जैसा मतलब होटल है सब बीच के सामने। और ये पार्किंग एरिया है पूरा। देखो यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए नेट भी, फुटबॉल खेलने के लिए नेट लगाया हुआ है बीच में। अभी यहाँ पे नाकाबंदी चल रही है भाई, चेकिंग। अभी शायद निकलने का प्लान हो रहा है। बीच सेम है सब यहाँ पे, बढ़िया का मौज मस्ती अलग है। देखो यहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे लोग चेयर लगा के बैठे हुए, और उस पार भी मतलब गाड़ी पार्क करके सब लोग नीचे बैठ के पूरा फैमिली खाना खा रहा है अपने, जैसे हमारी इंटरव्यू पे है ना सेम वैसे सब स्टार रख दिए यहाँ पे। सब विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं अगले ट्रिप पे। चलो अभी सब लोग यहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। सब भाई लोग अभी बिछड़ेंगे यहाँ से, सब लोग जाएंगे अपने अपने घर और कल अपने अपने काम पे सब लोग। चलो नरू भाई, बाय बाय। देखो ये होटल में रुके थे हम लोग, होटल पेपिलोन वहाँ पे हाईवे पे ब्रिज के नीचे। बाय बाय, मिलते हैं फिर से जल्दी। बाय 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 बाय। सो अभी रात के बज रहे 12:30 और अभी हम लोग पहुँचे बेलापुर। अब चाचा जा रहे घर पे, बोल रहे घर पे चलो सोने के लिए तो मना कर रहे, तो अभी उनको आए स्टेशन पे छोड़ा, अभी वो जाएंगे पनवेल। तो बाय 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 बाय। चलो मजा आया ना? मजा आया। चलो पहुंच के मैसेज आ तो कॉल कर देना। हाँ, तो चलो। ओके चलो भाई, चलो बाय बाय। चलो भाई, चलो भाई।